हेलो एवरीवन। सो पोहा बनाने के लिए यहाँ पे कुछ पोहा मैंने लिया है जिसे मैंने रनिंग वाटर के अंडर वॉश कर लिया है। एंड सोक करने की ज़रूरत नहीं है, बस वॉश कर लेना है आपको और छोड़ देना है उसे। बट जस्ट 4 to 5 seconds टैप के नीचे पकड़ना है आपको। एंड जब वॉश हो जाए तो ऐसे ही बस 5 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए। एंड वेजिटेबल्स मैं आपको दिखा देती हूँ क्या लगेंगे। सो यहाँ पे टमेटो मैंने ले लिया है, कुछ टमेटो के पीसेस करके ले लिए है, सम अनियन पीसेस, अनियन को चॉप करके ले लिया है, कुछ कोरिएंडर है, सम पीनट्स है, ये कच्चे पीनट्स है, कच्चे ही पीनट्स लेने हैं आपको, रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्लिट ग्रीन चिली लिए मैंने बिकॉज आई एम मेकिंग दिस फॉर किड्स, सो ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ मैं। बट आप जब बनाए पोहा तो आप 2 से 3 स्लिट ग्रीन चिलीज ले सकते हैं। एंड सम चॉप्ड पोटैटो पीसेस, ये बॉइल्ड पोटैटो है बट दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, यू कैन टोटली स्किप दिस। ये तीनों भी अगर है तब भी यू कैन मेक द पोहा। कच्चे आलू जो है उसके भी पीसेस अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम क्योंकि आपको उसे ऑयल के अंदर यू नो थोड़ी देर फ्राई करना होगा। तो मेरे पास ये कुछ पीसेस ऐसे ही बॉइल्ड पोटैटो के पड़े थे, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग द पोहा। सो कढ़ाई रख दी है मैंने यहाँ पे, साथ सम ऑयल। यूजुअली कभी कभी ऐसे होता है ना कि पोहा बहुत ही सूखा बन गया है या समथिंग लाइक दैट, तो दैट शुड नॉट हैपन। उसके लिए क्या करना है आई शो यू। एड सम मस्टर्ड सीड्स, लेट देम स्प्लटर। सम क्यूमिन सीड्स ऐड करते हैं, पुट दिस, कुछ टर्मरिक पाउडर। नाउ विल ऐड द वेजिटेबल्स। सबसे पहले अनियन ऐड करेंगे, अनियन एंड ग्रीन चिलीज। अनियन को थोड़ा सा होने देंगे हम, एंड इसी में आई एम एडिंग सॉल्ट फॉर योर टेस्ट। कुछ टमेटोज ऐड कर देंगे, पीनट्स भी इसी में ऐड कर रही हूँ मैं, एंड पोटैटोज एज वेल। वैसे भी पोटैटोज हैं नहीं ज़्यादा, मिक्स एवरीथिंग। नाउ विल ऐड द पोहा, मिक्स कर लेंगे। तो इस पे कोरिएंडर मैंने डाल दिया है, एंड सबसे पहले आपको अभी कवर कर देना है इसे। कवर दिस, इसे कवर कर दिया है मैंने, बिल्कुल ही लो फ्लेम रखी है, बस 2 मिनट के लिए आपको रखना है या जस्ट मिनट और टू, सो दैट ये स्टीम के ऊपर थोड़े से होंगे और आप जो बोलते हो ना कि सूखे हो गए, सूखे होंगे वो नहीं होंगे। सो स्टीम के ऊपर इसे होने दीजिए जस्ट अ मिनट, जस्ट फॉर अ मिनट, एंड देन यू टर्न ऑफ द फ्लेम और फिर 5 मिनट के बाद यू कैन सर्व दिस। तो बस इसके अंदर एंड में आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दीजिए आफ्टर ओपनिंग द लिड। मिक्स दिस वेल एंड इसे सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए। सो बारीक सेव जो है वो मैंने इसके ऊपर डाली है, बट अगर आपको भुजिया पसंद है यू कैन ऐड भुजिया एज वेल, जो भी सेव आपको पसंद है यू कैन ऐड। एंड द पोहा इज रेडी टू ईट नाउ।